अल्जीरियाई मुक्केबाज इमान खलीफा ने 2024 पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा दिया है। बीते शुक्रवार को इमान खलीफा ने विमेंस 66 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड अपने नाम किया। ये मेडल उनके लिए और भी खास इसलिए हो जाता है क्योंकि इस बार खेलों के महाकुंभ में उनके जेंडर पर सवाल उठाए गए और लोगों ने उन्हें डिस्क्वालीफाई करने की भी मांग की। अल्जीरिया की महिला बॉक्सर जेंडर विवाद को लेकर खूब चर्चाओं में भी रही और इन सब से ऊपर उठकर ईमान ने न केवल अपना बेस्ट दिया बल्कि सभी खिलाड़ियों को हराते हुए गोल्ड मेडल भी जीत लिया। 24 वर्षीय ईमान खलीफा सबसे पहले सुर्खियों में तब आई जब उनका मुकाबला इटली की एंजेला कैरेनी से हुआ, जिन्होंने रिंग में उतरने के कुछ सेकंड बाद ही गेम छोड़ दिया था। तब सोशल मीडिया पर ईमान के खिलाफ लोग पोस्ट करने लगे और उन्हें मर्द बताते हुए उन्हें ओलंपिक से निकालने की मांग भी की जाने लगी। अब गोल्ड जीतने के बाद ईमान ने ट्रोलर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अपने जेंडर पर मचे बवाल पर बोली ईमान खलीफा। ईमान खलीफा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 66 किलोग्राम वर्ग में खेला था और चीन की यांग लियू को 5-0 स्कोर से हराकर फाइनल मुकाबला अपने नाम कर लिया। तब जीतने के बाद उन्होंने कहा कि सभी ओलंपिक में एथलीट के रूप में परफॉर्म करने पहुंचे हैं और उन्हें उम्मीद है कि भविष्य के ओलंपिक में इस तरह की कोई हमला नहीं होगा। ईमान ने कहा कि वो इस कॉम्पिटिशन में भाग लेने के लिए पूरी तरह से योग्य है और वो बाकी महिलाओं की तरह ही एक महिला है। वो महिला के रूप में पैदा हुई है और एक महिला के रूप में ही जिंदगी जीती है। ईमान ने कहा कि सफलता के दुश्मन होते हैं और वो उनकी सफलता को पचा नहीं पा रहे हैं। आपको बता दें कि ईमान खलीफा बायोलॉजिकली महिला हैं, लेकिन उनके हार्मोन लेवल ज्यादा हैं, जिसकी वजह से वो एवरेज महिला के मुकाबले देखने में थोड़ी ज्यादा हट्टी कट्टी लगती हैं। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना सपना। इसके अलावा ईमान खलीफा ने 2024 पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद एपी से भी बात की थी, जहां उन्होंने कहा कि उनकी 8 साल की मेहनत रंग लाई है। इसके लिए वो अल्जीरिया के सभी लोगों को धन्यवाद देती हैं। ईमान खलीफा ने कहा कि 8 साल से ये मेरा सपना रहा है कि अब मैं ओलंपिक चैंपियन और गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैं पेरिस, दुनिया भर और अल्जीरिया में सभी अल्जीरियाई लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। अल्जीरिया के सभी लोगों और मेरे बेस पर सभी को थैंक यू कहना चाहती हूँ। मैं पूरी टीम और अपने कोच को थैंक यू कहती हूँ। अल्जीरिया आज बहुत खुश है।